हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक हेयर स्टाइल जिसको आप काफ़ी अच्छे से फंक्शन में भी कर सकते हैं, मतलब आप अपनी रिंग सेरेमनी हेयर स्टाइल भी में भी इसको करा सकते हैं, आप इसको वेडिंग में भी कर सकते हैं, आप इसको किसी पार्टी में जा रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो जो हमारी क्लाइंट है उनकी बहन की शादी थी तो उन्होंने उसमें ये हेयर स्टाइल कराया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये हेयर स्टाइल इनके साथ में करना, क्योंकि इनके फेस पर काफ़ी सूट कर रहा था। तो सबसे पहले जो हमें तैयारी करनी है वो हमें ये करनी है कि हम इनके बालों में करेंगे क्रम्पिंग। आप लोगों ने मुझसे कई बार ये क्वेश्चन करते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्रम्पिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है और क्रम्पिंग करने का फ़ायदा क्या है। तो मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आज आंसर देना चाहूँगी। आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्रम्पिंग कर रहे हैं, मैंने इनके एयर टू एयर पार्टिंग कराई है बालों में और उसके बाद में आगे के बालों में मैं ओनली फॉर क्रम्पिंग कराती हूँ। आप लोगों ने मेरे जितने भी हेयर स्टाइल देखे होंगे अभी तक ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं आगे ही क्रम्पिंग कराती हूँ, पीछे के बालों में मैं क्रम्पिंग नहीं कराती। और नीड होती है कि किस हेयर स्टाइल की क्या नीड है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो क्रम्पिंग की एक मशीन होती है जिसके बीच में हमें बालों को रखना होता है और वो इस तरीके से हमारे बालों में डिज़ाइन टाइप का बना देती है और हमारे बाल काफ़ी बाउंसी लगने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से उठ कर आता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और हम बालों को बहुत इजीली होल्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर स्टाइल है उसको हम जो भी शेप देना चाहेंगे वो शेप हमारे बालों में आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो क्रम्पिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल चाह रहे हैं करना तो आप लोग क्रम्पिंग कराएं बालों में और उसके बाद में हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करें। तो देखिए इनके बालों में क्रम्पिंग ऑलमोस्ट डन है और मैंने आगे के बालों में ही कराई है और उसके बाद में अगर आपके क्लाइंट का टीका वगैरह लगाना हो तो पहले टीका फिट कर दीजिए उसके बाद आप लोग पफ बनाइएगा, बट मेरे क्लाइंट को टीका वगैरह नहीं लगाना है तो मैं पफ के लिए बाल उठा रही हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं पफ करूँगी। तो मुझे इनके बालों में कोई भी पफ के अंदर फिल नहीं करना है कुछ भी, तो मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ। बैक कॉम्बिंग करने के बाद में मैं इनके बालों को पफ बना दूँगी इनके बालों का। बहुत अच्छे से मैं हेयर स्प्रे किया जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से उठ गए, आप लोग देख सकते हैं। पफ बनाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, काफ़ी वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत इजीली पफ बनाना बताया है, बट अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है तो अब आप देख सकते हैं मैंने इनके बालों में बैक कॉम्बिंग की, हेयर स्प्रे किया और उसके बाद में देखिए आप इनका पफ कितने अच्छे से उठ कर आया है। और इस तरीके से अगर आप पफ बनाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद ऊपर से आप फिर से स्प्रे कर दीजिए और बालों को बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपका दीजिए। हेयर स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये जो मैं हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ये नोवा का हेयर स्प्रे है और ये बालों को बहुत कम हार्म करता है, हालांकि जो स्प्रे होते हैं बालों के वो बालों को हार्म करते हैं बट ये बहुत कम हार्म करता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इनके बालों को एक साइड में ले लिया है, पफ बना दिया है पीछे और अब जो आगे के बाल बचे थे उनको एक साइड में लिया है आधे बालों को और उसके बाद में मैं उन दोनों जो एक साइड को मैंने बाल लिए हैं उसमें दो सेक्शन बना रही हूँ। पीछे का जो सेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे जिसमें मुझे काफ़ी अच्छे से एक हेयर स्टाइल इनका कंप्लीट करना है, जो मुझे इनके फेस पे जो हम लोगों ने मेकअप किया है उसकी नीड मुझे लग रही है, जो इनके कपड़ों की नीड है और जिस फंक्शन में ये जा रही हैं उस फंक्शन में, क्योंकि रियल सिस्टर हैं उनकी जिनका फंक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि रियल सिस्टर को एक अच्छा सा लुक देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी क्लाइंट के हम जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान रखिए कि वो क्या है उनका जिस फंक्शन को वो अटेंड कर रहे हैं। अगर किसी की अपनी खुद की रिंग सेरेमनी है तो उनके बालों में ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा, अगर कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन में जिसकी शादी है, मतलब आप सोचिए लड़के की बहन है या लड़की की बहन है, तो उस तरीके के हेयर स्टाइल भी आप उनके बालों में भी कर सकते हैं। ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ में करना, तो ये क्योंकि काफ़ी हैवी हेयर स्टाइल है तो हर कोई के ऊपर नहीं जाएगा ये, बट जिन लोगों को बहुत क्लोज रिलेशन में जिनके शादी हो वो लोग कराएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको हेयर स्टाइल को कराकर पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं, आपकी खुद का फंक्शन है अगर आपकी रिंग सेरेमनी है तो भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से जाएगा, अगर आपकी खुद की वेडिंग है तो भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये काफ़ी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी फंक्शन आपके बहुत अच्छे से ये जाएगा काफ़ी फंक्शन में। तो देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे सेक्शन लिए हैं और उनको मैं सेपरेट करती चली जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं जो पिन आती हैं जुड़े वाली उनके साथ में सेपरेट करती चली जा रही हूँ और इस तरीके से देखिए हम लोग सेपरेट करेंगे और उसके बाद में इन्हें हमें एक साथ जोड़ देना है। तो हल्का सा इनको टर्न करते हुए जोड़ेंगे, बीच बीच में हेयर स्प्रे करते रहें क्योंकि ये जो हेयर स्टाइल है इसमें हेयर स्प्रे की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमें बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करना है और ये जो हेयर स्टाइल है ये आप जब तक इसको खुद नहीं खोलेंगे ये तब तक बिल्कुल नहीं खुलता है और बहुत प्यारा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो हमने सेपरेट में किया था पिन लगाकर उसको हम हल्का हल्का सा रोल करते हुए
देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा एक एक सेक्शन को रोल करेंगे और एक दूसरे के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ईजी है इसको करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसको अपने पार्लर में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो मेरे पास इसी चीज़ से लेके क्वेश्चन करते हैं कि उनके अपने खुद के पार्लर हैं और वो काफ़ी दिन से उन पार्लर को चला रहे हैं, बट उनको हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कर नहीं पाते हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि किसके साथ में हमें कौन सा हेयर स्टाइल करना है। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा हेयर स्टाइल कपड़ों के अकॉर्डिंग और फेस को देखते हुए करना होता है। आपको इतनी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके फेस के ऊपर क्या हेयर स्टाइल जाएगा, और इस चीज़ को भी समझें कि हम किस फंक्शन में हेयर स्टाइल को कर रहे हैं, मतलब क्या लगती हैं वो उनका उनकी जिसके फंक्शन में वो जा रही हैं। अगर आपका बहुत ही क्लोज रिलेशन में कोई शादी है तो आप कितना भी हैवी हेयर स्टाइल करेंगे चल जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत ही सगे की शादी है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा फेस के कट को ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, एक साइड हमने पूरे में पिन लगा दी थी और हमने इनको सेपरेट कर दिया, तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आगे जो मैंने बाल छोड़े थे उसमें मैं चोटी बनवा रही हूँ, और दूसरी साइड जो है मैं सारे बालों को एक साइड लेकर और पफ के साथ में जोड़ दूंगी। उसमें मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, देखिए आप लोग देख सकते हैं, एक साइड में चोटी बनवा रही हूँ आगे की, जो काफ़ी बार आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी सारे हेयर स्टाइल मैंने इस चोटी के डाले हुए हैं, सिंपल चोटी है बहुत ज़्यादा। और दूसरी साइड जो है वो हम लोगों ने बाल लिए हैं और अच्छे से स्प्रे किया है और फाइनली वो चिपका दिए हैं पफ के साथ। तो अब आप देख सकते हैं आगे से इनका ये हेयर स्टाइल आया है, और चोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके की चोटी हम लोग नॉर्मली करते हैं ये उस तरीके की चोटी है। फ्लिक्स के लिए बाल छोड़ेंगे ताकि आगे की साइड में हम लोग जो फ्लिक्स करें वो अच्छी लगें, अच्छी लगती हैं वो फ्लिक्स करी हुई। तो देखिए इस तरीके से हमने आगे चोटी लगा दी, और उसको मैंने हल्की सी जो मोती वाले आते हैं डेकोरेशन वो कर दिया है आगे से उनके। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो हेयर स्टाइल है वो आगे से ऑलमोस्ट डन है। तो ये हेयर स्टाइल का हमने लुक दिया है इनको, काफ़ी प्यारा लगा ये मुझे, और इनके फेस के ऊपर बहुत अच्छे से जा रहा था, क्योंकि इनके फेस की जो नीट थी वो इसी तरीके की थी। और अब आप देख सकते हैं जो पीछे इनके बाल हम लोगों ने छोड़े थे उनको हमने अच्छे से कॉम कर लिया है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेट बाल है इनका, उसके अंदर अब हम लोग कर्ल कर रहे हैं। तो पीछे के सारे बालों में हम लोग कर्ल करेंगे, और जो ये कर्ल मैं करा रही हूँ ये मैं हाफ कर्ल करा रही हूँ, मतलब इनके बालों को आधा छोड़ के कर्ल हो रहा है, और इनको हम अच्छे से देखिए इस तरीके से कर्ल कर देंगे। ऑलमोस्ट सारे बालों में हमें पीछे जितना भी बाल बचा है उसके सबके अंदर हमें कर्ल करना है। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कि जो मेरी कर्ल मशीन है ये क्या है, किस तरीके से कहाँ मिलेंगी। तो देखिए ये जो कर्ल मशीन है ये टॉम कर्ल मशीन है, ये इसी नाम से मार्केट में आती है, और ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई है तो मैं आप लोगों को इसका लिंक नहीं दे सकती हूँ, और आप लोग इसको इजीली मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा इसका जो काम करने का तरीका है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कर्ल आते हैं इससे, और आप देख ही सकते हैं रिजल्ट इनके बालों में। और इस तरीके से देखिए हम लोग कर्ल करेंगे, और मेरे क्लाइंट को थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने दो मशीन लगवाई हैं। दूसरी जो मशीन है वो भी इसी नाम से आती है, टॉम कर्ल मशीन, और ये इसी तरीके से मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, और मेरे पार्लर पर सालों से ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने क्लाइंट के जो है वो दो मशीन एक साथ लगवाने के बाद में बहुत जल्दी से इनके पीछे हम बालों में कर्ल कर देंगे। और हमारे जो पार्लर पे काम करने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए, जिस कस्टमर की जो नीड है आप उसको उस तरीके का काम करके दें। मेरे पास बहुत क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मैम आप हर कस्टमर के एक सा करते हो। आप लोग ये चीज़ समझिए कि रियल कस्टमर के साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है गाइज। आप लोगों को सिर्फ लगता है कि अभी इन्होंने पिछली वीडियो में भी इसी तरीके से पफ बनाया था, इसी तरीके से हेयर स्टाइलिंग की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास लोग आते हैं मेरे हेयर स्टाइल की वीडियो वगैरह देखकर, उसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि जो हेयर स्टाइल अभी आपने उनके किया था, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो मुझे वीडियो भी दिखाते हैं, और वो हेयर स्टाइल उनको चाहिए और मैं उनके साथ में वही काम करती हूँ। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारे कस्टमर को पसंद क्या है, क्या चाह रहा है वो हमसे, क्या काम कराना चाह रहा है, उस तरीके का हम लोग काम करें, अपनी अपनी ना चलाएं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, पार्लर वाले अपनी अपनी चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जिस पे उनका हाथ सेट होता है वो उसी तरीके का काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कस्टमर कुछ नया भी दिखा रहा है तो आप वो भी करने की कोशिश कीजिए, और आप अगर आपको वो कोई फ़ोटो या वीडियो दिखा रहा है तो उस तरीके का काम भी करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे कस्टमर जो हैं वो मुझे ज़्यादातर फ़ोटो और वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो मैं उसी तरीके से उनके बालों में काम करती हूँ, बालों में या मेकअप वगैरह भी मैं उसी तरीके करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं बातें करते करते इनके बालों में ऑलमोस्ट कर्ल हो गए हैं, और आप देख सकते हैं मैंने इनके हाफ कर्ल कराए, और आगे का बाल भी जो हमने फ्लिक्स के लिए छोड़ा था उस पर भी हम लोगों ने फ्लिक्स से रोल कर दिया है देखिए। और ये जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट डन है,
बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। मैं अपने चैनल पर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। और देखिए इस तरीके से पीछे हम लोग डेकोरेट कर देंगे, जहाँ पर हमारी पिन बहुत ज़्यादा दिख रही थी वहाँ पर हम इस तरीके से देखिए टियारा लगा देंगे। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको लोड्स ऑफ वैरायटी मिलेगी इन टियारा की। और ये लगाने के बाद में इस ये जो हेयर स्टाइल है ये और भी प्यारा लगने लगा। तो इस तरीके से हम लोग हेयर स्टाइल को डेकोरेट भी कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं इनका जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट डन है। और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले। और आगे आप देख सकते हैं मैंने चोटियों में हल्की सी ये जो मोती लगवाए थे वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर हेयर स्टाइल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का हेयर स्टाइल भी नहीं है। जो इनके फेस की नीड थी, जो इनके फंक्शन की नीड थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये हेयर स्टाइल किया। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।